नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि सब अच्छे से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज ये अपने खेत का नज़ारा है, गेहूँ की फसल कटाई होकर के बारे बंद करके रखे हुए हैं। पूरे खेत में हाथ से गेहूँ की कटाई हुई है। ये इस तरफ ढेर भी लगा हुआ है। अभी ये जो सीजन चल रहा है किसानों के फसलों की कटाई का समय चल रहा है, बहुत ही मेहनत वाले दिन है। अभी सब चारों तरफ हर खेत में गेहूं की कटाई के नज़ारे नजर आ रहे हैं। कहीं पे थ्रेशिंग हो गई है, अपने खेत में थ्रेशिंग आज चल रही है। दूर दूर तक आप नज़ारा देख सकते हैं। ये राजस्थान का जोधपुर इलाका है, यहाँ पे ज़्यादातर लोग गेहूं की खेती कर रहे हैं, क्योंकि गेहूं एक ऐसी खेती है जिसमें कोई घाटे का सौदा नहीं है। ज़्यादा मुनाफा भी नहीं है, लेकिन इसमें रिस्क जोन बिल्कुल भी नहीं है। गेहूं में अभी तक ऐसी कोई बीमारी नहीं आती है, और इसमें ज़्यादा खाद या एक्स्ट्रा कुछ उर्वरक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी नकदी वाली फसलें जैसे जीरा है, रायड़ा है, उसमें बीमारियां बहुत हो रही है, मेथी है, तो ऐसे में किसान वो सब नहीं करना चाहता है कि भाई अपन इतना पेस्टिसाइड वगैरह उसका खर्चा करे और उसके बाद में भी मौसम की मार हो जाए। मौसम की मार से बाकी की फसलें बहुत ख़राब होती है। गेहूँ की फसल ऐसी है, ये सदाबहार फसल है, इस पर अगर बरसात आंधी अगर हो जाए तो भी इतना नुकसान नहीं होता है, नुकसान को झेलने वाली फसल है। इसलिए अपन लोग ज़्यादातर यही खेती कर रहे हैं। और गेहूं पे मतलब मनुष्य का भोजन का मुख्य, आज हिंदुस्तान में देखा जाए तो चावल और गेहूं मुख्यतः यहाँ पे खाने के लिए, भोजन के लिए यूज़ होते हैं। तो फिर सबसे उपयोगी धानों में आता है अनाज में गेहूं, तो इसलिए इसका प्रोडक्शन भी ज़रूरी है। तो किसान एक ऐसी कौम है जो परहित का काम करता है। वैसे मेरा सोचना, मेरा नज़रिया यही है कि भाई किसान पर हित का काम करता है, पूरे देश का पेट पालने के लिए अनाज उगाता है, खुद के लिए भी करता है। ये इस तरफ आप देखेंगे सब जगह गेहूं की थ्रेशिंग हो चुकी है, और इधर आप देख सकते हैं दूर दूर तक गेहूं के ही खेत नजर आएंगे आप। आज हवा भी बहुत तेज चल रही हो सकती है, आवाज़ में भी आपको हवा की सर्राट सुनाई दे रही होगी। लगभग 20-22 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है। और अभी राजस्थान का मौसम है जो गर्मी की ओर बढ़ रहा है, बहुत प्रचंड गर्मी और लू चलेगी अभी आने वाले दिनों के अंदर, तो ऐसे समय में पशुओं का जीना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इंसान तो चलो कुछ जुगाड़ भी कर लेता है, पशुओं के लिए और पक्षियों के लिए बहुत मुश्किल भरा समय होगा। पीने के पानी की समस्याएं, खाने के लिए चारे की वो भी होगी। ऐसे मद्देनज़र में अपन इंसान को भी कुछ करना चाहिए, कुछ हो सके तो जानवरों की पशुओं की हेल्प के लिए भी कुछ कीजिए, बहुत बढ़िया। और अपने खेत में अभी थ्रेशिंग चल रही है यहाँ पे गेहूं की, दूर दूर तक नजर आए खेत सब खाली हो चुके हैं गेहूं कट करके, बहुत बढ़िया। आप ये देख सकते हैं गेहूं की थ्रेशिंग चल रही है। लॉकडाउन का पालन करते हुए बिल्कुल मजदूरों के द्वारा और सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए मित्रों।